Hello, children. Hope you're all doing well and you're all safe at home. Okay, now today I'm going to start with Foundation Mathematics Chapter 7, Geometrical Shapes. Okay, now shapes jo hota hai, utra ka hota hai, ek hota hai solid shapes and the other one is all. First we have solid shapes and then we have plane figures. Okay, now see. कलर द बिगेस्ट एंड क्रॉस द स्मॉलेस्ट शेप. यहाँ पे देखिए जो बोल रहा है कि जो बिगेस्ट शेप है उसे आपको कलर करना है और जो स्मॉल शेप है उसे आपको क्रॉस करना है. तो यहाँ पे सबसे बड़ा शेप कौन सा है? दिस वन. ओके, सो दिस वन यू आर गोइंग टू कलर. इसे कोई भी कलर से इसे कलर करना है, राइट? एंड स्मॉलेस्ट, यहाँ पे सबसे स्मॉल सा कौन सा शेप है? ये वाला जिसे मैंने क्रॉस किया. यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा शेप कौन सा है? ये वाला. सो दिस वन यू आर गोइंग टू कलर एनी कलर. और सबसे स्मॉल कौन सा है? ये वाला. सो दिस वन यू आर गोइंग टू क्रॉस. हियर द बिगेस्ट वन इज द सर्कल एंड द स्मॉलेस्ट वन इज दिस वन. हियर द बिगेस्ट वन इज दिस वन, दिस आर गोइंग टू कलर एंड द स्मॉलेस्ट वन इज दिस वन. सो हियर आई हैव क्रॉस्ड. ऑलराइट, नाउ टेक द ऑब्जेक्ट शेप लाइक दिस वन एंड क्रॉस द ऑब्जेक्ट्स शेप्ड लाइक द सिलेंडर. तो इस शेप का जो है उसे टिक करना है. तो इस शेप में क्या क्या आ रहा है? ये आ रहा है, राइट? देन ये आ रहा है. तो ये शेप में हम लोग ने टिक किया क्योंकि ये वाला इसका शेप में आ रहा है, राइट? और क्रॉस किस में करना है? जो इस सिलेंडर का शेप में ये वाला है. ओके, तो ये एक है जो ये सिलेंडर का शेप में. ऑलराइट, नाउ वी कम टू सॉलिड शेप्स. सॉलिड शेप्स क्या होता है? द ऑब्जेक्ट्स दैट यू सी अराउंड अस हैव डिफरेंट शेप्स. Here we shall learn about the shape of some objects that we see in our day-to-day lives. हम लोग देखेंगे कौन सा हम लोग आम जिंदगी में हम लोग देखते हैं. यहाँ पर जैसे बुक है, ये चॉकलेट्स है, ये बॉक्स है, ये मिल्क का ये है बॉक्स, ये फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर. Now all the objects have the shape of a cuboid. ये सब जो है ये cuboid का shape है, right? Cuboid कौन सा है? ये देखो ये वाला. Now a cuboid has 12 edges. इसमें 12 edges है. Edges मतलब ये कॉर्नर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. इसमें 12 एजेस होता है. द पॉइंट वेयर 3 एजेस मीट इज कॉल्ड अ वर्टेक्स. जहाँ पे 3 एजेस मीट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स. जैसे ये वाला वर्टेक्स है. ऑलराइट, 1, 2, 3 यहाँ पे मीट कर रहा है तो दिस इज कॉल्ड अ वर्टेक्स. अ क्यूबॉइड हैज 8 वर्टिसेस. क्यूबॉइड में कितना वर्टिसेस होता है? 8 वर्टिसेस होता है. ऑलराइट, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट शेप दैट इज क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस. अभी हम लोग क्यूबॉइड का फेसेस के बारे में पढ़ेंगे. फेसेस होता है ये वाला, जो ये वाला एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है. तो ये सब क्या है? फेसेस है. नाउ काउंट द फेसेस ऑफ योर बुक, इट हैज 6 फेसेस. हमारा बुक जो है उसमें कितना फेसेस होता है? 6 फेसेस होता है. 1 फ्रंट फेस, 1 बैक फेस, 1 टॉप फेस, 1 बॉटम फेस एंड 2 साइड फेसेस. Now we come to cube. ये वाला जो है वो क्या shape है? Cube का shape है. A cuboid with all the edges of the same length is called a cube. ये जो same length का होता है उसका edges उसे हम लोग बोलते हैं cube. A dice with which we play is a cube. जो हम लोग ludo खेलते हैं, जो हम लोग dice पे ये करते हैं खेलते हैं dice सब, वो cube का shape है. A cube has 8 vertices. Cube में कितना vertices होता है? 8 vertices होता है. A cube has 12 edges. उसमें कितना edges होता है? 12 edges. A cube has 6 faces. में कितना faces होता है? 6 faces. Now we come to cylinder. We have seen the following objects in our daily life. Now ये सब चीज़ हम लोग daily life में देखते हैं, right? So all these objects have the shape of a cylinder. तो ये सब objects जो है इसमें क्या shape है? ये cylinder का shape. तो today we stop till here. Next day हम लोग next page से हम explain करेंगे. All right, children? Now you are going to read this and understand. Thank you, children.